मेरे फादर टीचर सिगे ते उन्हीं 14 दिन पहले ना उन्हें डिमाइज होया है बट आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट आई कैन डिलीवर दिस एट दिस पॉइंट टू माय डैड एंड आई रियली मिस हिम मूवी देख के तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंटर मिलेंगे कि तुसी कितना उन्हें चीज़ों पर बिलीव नहीं करना घर वाले नु या बॉयफ्रेंड नु बस च करना तो थोड़े एक तरीका है जानते हैं दैन यासर यासर इज वेरी रिजर्वड तो मैम अनीता मैम हो गए इन्हों माहौल फैमिली वाला सीगा उत्थे तो मैंने लगता से मैं उन्होंने बेटी हाँ तो घूमते रहते मैडम कितने कितने शूट होया है तो पुराना पंजाब पर कितने कितने जाए असी शूट किया मोरिंडे उधर पिंडा दे विच कुछ शूट होया आई थिंक इधर बनूर वाली साइड जिहड़े मतलब सोही सर दे सरदार सोही सर दे जिहड़े सीन ने मेन जिहड़े सो काफ़ी जगह तीन चार जगह शूट होया मैम फिल्म इस तुहाडे फादर डॉक्टर साहब हैं एक्चुअली की मेरे फादर टीचर सिगे ते उन्हीं 14 दिन पहले उन्हों का डिमाइज होया है बट आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट आई कैन डिलीवर दिस एट दिस पॉइंट टू माय डैड एंड आई रियली मिस हिम क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होया बट मैं आई एम होप कि आई होप कि जितने भी होंगे ही विल बी प्राउड आई एम सॉरी नो सर ना 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 और लास्ट क्वेश्चन इज दिस कि अपने दर्शकों नु की संदेश है इस फिल्म बारे में मैं सर थोनों यही कहना चाहनी हां कि मूवी देख के थोनों कुछ ऐसे पॉइंटर मिलेंगे कि तुसी कितना उन्हां चीज़ों पर बिलीव नहीं करना तो या फिर तुसी मजे मजे ले लेजे करना नहीं 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 किस चीज़ ते बिलीव नहीं करना सर ये तो मूवी देखनी पैनी है उन्हें किस चीज़ ते बिलीव करना है ये चीज़ उहदे विच पता लगेगी तो मतलब कुड़ियों लई स्पेशल ये चीज़ है जे तुसी मतलब अपने घर वाले नु या बॉयफ्रेंड नु बस च करना है तो उहदे विच एक तरीका है मतलब बुआ का रोल करना पैना बुआ का रोल करना ठीक है और अगर हस्बैंड ने अपनी घर वाली नु बस करना है तो बस फिर जी फिर तो लास्ट वाला हो जाना फिर बट आई एम वेरी हैप्पी सारे का काम बहुत सोहना है आई एम वेरी वेरी थैंकफुल पूरा मीडिया टीम बहुत वधिया सब कुछ किया उन्होंने आई एम वेरी हैप्पी सो थैंक यू सो मच 26 जनवरी को तुसी जरूर देखनी है लंबड़ा का लाना थैंक यू मेरे फादर टीचर सिगे ते उन्हीं 14 दिन पहला उन्हों का डिमाइज होया है बट आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट आई कैन डिलीवर दिस एट दिस पॉइंट टू माई डैड एंड आई रियली मिस हिम मूवी देख के तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंटर मिलेंगे कि तुसी कितना उन्हां चीज़ों पर बिलीव नहीं करना घर वाले नु या बॉयफ्रेंड नु बस च करना है तो थोड़े उहदे विच एक तरीका है जानते हैं दैन यासर यासर इज वेरी रिजर्वड तो मैम अनीता मैम हो गए इन्हों माहौल फैमिली वाला सीगा उत्थे तो मैंने लगता से मैं उन्होंने बेटी हाँ तो घूमते रहते मैडम कितने कितने शूट होया है तो पुराना पंजाब पर कितने कितने जाए असी शूट किया मोरिंडे उधर पिंडा दे विच कुछ शूट होया आई थिंक इधर बनूर वाली साइड जिहड़े मतलब सोही सर दे सरदार सोही सर दे जिहड़े सीन ने मेन जिहड़े सो काफ़ी जगह तीन चार जगह शूट होया मैम फिल्म इस तुहाडे फादर डॉक्टर साहब हैं एक्चुअली की मेरे फादर टीचर सिगे ते उन्हीं 14 दिन पहले उन्हों का डिमाइज होया है बट आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट आई कैन डिलीवर दिस एट दिस पॉइंट टू माय डैड एंड आई रियली मिस हिम क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होया बट मैं आई एम होप कि आई होप कि जितने भी होंगे ही विल बी प्राउड आई एम सॉरी नो सर सर ना 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 और लास्ट क्वेश्चन इज दिस कि अपने दर्शकों नु की संदेश है इस फिल्म बारे में मैं सर थोनों यही कहना चाहनी हां कि मूवी देख के थोनों कुछ ऐसे पॉइंटर मिलेंगे कि तुसी कितना उन्हां चीज़ों पर बिलीव नहीं करना तो या फिर तुसी मजे मजे ले लेजे करना नहीं 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 किस चीज़ ते बिलीव नहीं सर, करना सर ये तो मूवी देखनी पैनी है उन्हें किस चीज़ ते बिलीव करना है ये चीज़ उहदे विच पता लगेगी तो मतलब कुड़ियों लई स्पेशल ये चीज़ है जे तुसी मतलब अपने घर वाले नु या बॉयफ्रेंड नु बस च करना है तो उहदे विच एक तरीका है मतलब बुआ का रोल करना पैना बुआ का रोल करना ठीक है और अगर हस्बैंड ने अपनी घर वाली नु बस करना है तो बस फिर जी फिर तो लास्ट वाला हो जाना फिर बट आई एम वेरी हैप्पी सारे का काम बहुत सोहना है आई एम वेरी वेरी थैंकफुल पूरा मीडिया टीम बहुत वधिया सब कुछ किया उन्होंने आई एम वेरी हैप्पी सो थैंक यू सो मच 26 जनवरी को तुसी जरूर देखनी है लंबड़ा का लाना थैंक यू थैंक यू